नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आप सभी का इंडियन आईक्यू इंस्टीट्यूट के यूट्यूब चैनल पे। चैनल पर अगर नए हैं तो आप सबसे पहले तो इसको सब्सक्राइब कर लीजिए और वीडियो को लाइक भी कीजिएगा अगर आपके लिए फ़ायदेमंद होगा तो। IBPS AFO प्रीलिम्स की बात करने वाले हैं। आपके प्रीलिम्स के एग्ज़ाम में सिर्फ और सिर्फ कितने दिन रह गए हैं? 10 दिन रह गए हैं, 10 डेज अब रह गए हैं आपके एग्ज़ाम के लिए। अब इस 10 दिन में आप क्या कर सकते हैं? खास करके ये वीडियो उन बच्चों के लिए है जो अभी तक बिल्कुल भी कोई सीरियस तैयारी नहीं किए हैं और चाहते हैं कि 10 दिन में उनके साथ कुछ जादू हो जाए। तो आप लोग इस वीडियो को लास्ट तक ज़रूर देखिएगा, क्योंकि यहाँ पर मैं सटीक और कुछ ऐसा टेक्निक आपको बताऊँगा, कुछ ऐसा अप्रोच आपको बताऊँगा जिससे कि अभी इस टाइम पर इतने कम समय में भी आप एक एफिशिएंट स्टडी कर सकते हैं। हाँ, बशर्ते कि आपके पास डेली का 6-7-8 घंटे का स्टडी करने का कैपेसिटी होना चाहिए, तो आप इन 10 दिनों में भी अपनी किस्मत बदल सकते हैं। कैसे, देखिए। सबसे पहले ये वीडियो आप स्टार्ट करें, इससे पहले मैं आपसे रिक्वेस्ट करूंगा कि इस वीडियो से जस्ट पहले जो वीडियो अपलोड हुई है चैनल पे उसको आप एक बार देख कर फिर आइए और तब इस वीडियो को कंटिन्यू करिए, क्योंकि वो वीडियो एक बार आपका जो रोड मैप है ना उसको आसान बना देगा। आपके दिमाग में आप इजिली कंसिडर कर पाएंगे कि आपको क्या पढ़ना है, क्या छोड़ना है इस टाइम पर। ठीक है, आगे बढ़ते हैं। सबसे पहले प्रीलिम्स की बात करेंगे तो नोटिफिकेशन जो है आपका नवंबर में आ गया था और आपका जो एग्ज़ाम है वो 31 दिसंबर को कंडक्ट होना है। अभी आपके पास 10 डेज रह गए हैं, 31 दिसंबर को आपका एग्ज़ाम होगा। शायद सिंगल शिफ्ट में ही सारे बच्चों का एग्ज़ाम कंडक्ट कराया जा रहा है, आफ्टरनून शिफ्ट में। अब यहाँ पर आगे भी हम लोग गाइड करेंगे, एग्ज़ाम से रिलेवेंट जो चीज़ें हैं, साइकोलॉजिकल चीज़ें, उन सब पे भी हम बात करेंगे। पर इस वीडियो में हम लोग थोड़ा सा इंपॉर्टेंट चीज़ें देखेंगे। इंपॉर्टेंट स्टैट्स की अगर बात करें तो IBPS स्पेशलिस्ट ऑफिसर के एग्ज़ाम में, प्रीलिम्स एग्ज़ाम में लगभग 1 लाख कैंडिडेट्स यहाँ पर अपियर होते हैं। अप्रॉक्स जो डेटा है वो इसी के आसपास मानकर चला जाता है, इतने कैंडिडेट्स स्पेशलिस्ट ऑफिसर के एग्ज़ाम में अपियर होते हैं। लेकिन ये स्टेज बहुत ही क्रूशियल स्टेज होता है। क्यों क्रूशियल स्टेज होता है? क्योंकि 75% से भी ज़्यादा स्टूडेंट जो हैं वो यहीं पर छट जाते हैं, इसी एग्ज़ाम को वो क्रॉस ही नहीं कर पाते हैं और पीछे रह जाते हैं। और सिर्फ 20-25% बच्चे प्रीलिम्स स्टेज को क्रॉस करके मेंस में जाते हैं। आपने मेंस की कितनी भी अच्छी तैयारी की हो, इंटरव्यू की कितनी भी अच्छी तैयारी की हो, अगर आप प्रीलिम्स क्वालिफाई नहीं करते हैं आप मेंस तक पहुँच ही नहीं पाते हैं। और ये बहुत सारे बच्चों के साथ होता है, एक से एक बारूद बच्चे जो एग्रीकल्चर में ऐसे हैं ना कि अगर एग्ज़ाम लिखने का मौका मिल जाए तो वो मेंस चीड़ फाड़ देंगे, लेकिन उनके लिए प्रीलिम्स निकालना ही इतना मुश्किल होता है कि दो दो तीन तीन साल से ट्राई कर रहे हैं, प्रीलिम्स ही नहीं निकल रहा है उनके लिए। तो भले ही हमारे लिए आसान होगा कहना कि कम कट ऑफ जाता है, बच्चे आराम से क्रैक कर सकते हैं, लेकिन बहुत सारे बच्चों के लिए प्रीलिम्स एक सपना ही होता है। रीज़न ये है, कुछ बच्चों का इंग्लिश बहुत वीक होता है, कुछ बच्चे मैथ से डरते रह जाते हैं, ढंग से उनको कोई गाइड नहीं कर पाता है तो अप्रोच नहीं मिल पाता है। रीज़न ये सिंपल्स है, जो बच्चे चाहेंगे वो आराम से क्लियर कर पाएंगे, बस आपके अंदर डेडिकेशन होना चाहिए। प्रीलिम्स से मेंस तक का जो टाइम पीरियड है लगभग 1 महीने का होता है। प्रीलिम्स आपने जिस दिन लिखा उसके 1 महीने बाद आप मेंस लिख रहे होते हैं। रिजल्ट जो है आपके एग्ज़ाम कंडक्ट होने से 12-15 डेज के अंदर डिक्लेयर कर दिया जाता है, और एडमिट कार्ड जो है वो मेंस एग्ज़ाम से पहले 10 दिन पहले आपका आ जाता है। प्रीलिम्स की पैटर्न आप सभी जानते हैं, इसके बारे में बहुत ज़्यादा डिस्कस करने की जरूरत नहीं है। क्वालिफाइंग नेचर का होता है, कोई आपका मार्क्स ऐड नहीं होता है इसका, लेकिन जो आपकी इंग्लिश रीजनिंग और क्वांटिटेटिव एप्टीट्यूड से 50-50 क्वेश्चन आते हैं। इंग्लिश का एक क्वेश्चन 0.5 मार्क्स का होता है, अगर आप 8 क्वेश्चन गलत करते हैं तो 1 मार्क्स डिडक्ट हो जाता है इंग्लिश में। रीजनिंग में क्या है, रीजनिंग में और मैथ्स में सारे क्वेश्चन 1-1 मार्क्स के होते हैं, और 4 क्वेश्चन अगर आप गलत करते हैं, रॉन्ग करते हैं, तो आपका 1 मार्क्स डिडक्ट भी हो जाता है। 40 मिनट्स का सेक्शनल टाइमिंग दिया जाता है, इस चीज़ का पूरा ध्यान रखेंगे कि आपका एग्ज़ाम सिर्फ 40 मिनट के लिए होता है एक सेक्शन का। एक सेक्शन 40 मिनट्स में अगर आप कर पाते हैं तो ठीक है, नहीं तो आपको दूसरे सेक्शन में ज़बरदस्ती ढकेल दिया जाता है। तो एक सेक्शन को आपको 40 मिनट में ही करना है। टोटल 120 मिनट का आपका पेपर होता है, 125 मार्क्स के का पेपर होता है आपका। ठीक है, अब यहाँ पर आ जाइए। सबसे पहले हम लोग रीजनिंग की बात कर लेंगे। रीजनिंग की अगर बात करें तो इस टाइम पर अगले 10 दिन में आप क्या कर सकते हैं, सिंपल सा डायरेक्ट बात करूंगा, जो है जो रियलिटी है उसको समझिएगा। पजल है, अगर आपने अभी तक कुछ नहीं किया है तो पजल छोड़ दीजिए, आप कुछ कर भी नहीं पाएंगे पजल का भी इस टाइम पर। ठीक है, सिटिंग अरेंजमेंट है, इसको मैं कहूंगा कि आपके पास टाइम मिलता है तो सिटिंग अरेंजमेंट आप लास्ट में जरूर कर लीजिएगा, क्योंकि सिटिंग अरेंजमेंट से क्या होता है ना कि एक क्वेश्चन जो होते हैं वो टफ आते हैं, उसको आप नॉर्मली हिला नहीं पाते, और एक क्वेश्चन जो है ईजी आता है। तो ईजी वाला क्वेश्चन अगर आपको सिटिंग अरेंजमेंट का थोड़ा सा बेसिक भी पता हो ना, सर्कुलर अरेंजमेंट का हो चाहे लीनियर अरेंजमेंट का, थोड़ा बहुत बेसिक अगर आप सीख गए
और इंग्लिश का थोड़ा नॉलेज है या हिंदी मीडियम से है, अगर आप चीज़ों को अच्छे से कॉम्प्रहेंड कर पा रहे हैं तो वो इजी वाला जो क्वेश्चन है आप आराम से एग्जाम में कर पाएंगे। सिटिंग अरेंजमेंट के भी लगभग लगभग 10 क्वेश्चन आते हैं और पजल के भी 10 क्वेश्चन आते हैं, इसको तो भूल ही जाइए, क्योंकि अगर आप कितना भी इसको आप पढ़ लोगे, कितना भी प्रैक्टिस कर लोगे, एग्जाम में बनाना बड़ा मुश्किल होगा उतने कम टाइम में। एक से एक अच्छे अच्छे स्टूडेंट भी है जो 10-10, 12-12 मिनट पजल पे ख़त्म कर देते हैं और क्वेश्चन बना ही नहीं पाते हैं, तो उसको तो बिल्कुल छोड़ ही दीजिए एकदम से। सिटिंग अरेंजमेंट का एक क्वेश्चन जो इजी वाला होगा कर पाए तो करिएगा, नहीं तो ज़्यादा टाइम वेस्ट मत करिएगा, 5-7 मिनट से ज़्यादा उसको मत दीजिएगा, ठीक है। इनपुट आउटपुट है, इसको आप बाद के लिए रखिएगा, नहीं करें तब भी कोई दिक्कत नहीं है, छोड़ दीजिएगा, कोई फर्क नहीं पड़ेगा। ब्लड रिलेशन बहुत ही इजी टॉपिक होता है, 2 से 3 क्वेश्चन आपको ब्लड रिलेशन के दिख जाते हैं, इसको सबसे पहले ख़त्म करिए, बहुत इजी, बहुत इंटरेस्टिंग होता है, कहीं से भी आप इसको सबसे पहले ख़त्म कर दीजिए। कहाँ से करना है वो भी मैं आपको बता दूंगा, बहुत सारे आप सिंपली इन टॉपिक को ना यूट्यूब पर सर्च कर लेंगे तब भी मिल जाएगा, नहीं अगर आप चाहते हैं कि सारा चीज़ एक जगह परोस के दे दिया जाए तो हमारा प्रीलिम्स का कोर्स है 299 रुपीज़ का। मैं नहीं बोलूँगा कि परचेज कर ही लीजिए, अगर आपको लगता है कि नहीं ढूंढने में बहुत ज़्यादा टाइम वेस्ट हो रहा है, पता नहीं चल रहा है कौन टीचर अच्छा पढ़ा रहे हैं कौन नहीं अच्छा पढ़ा रहे हैं, तो 299 का कोर्स है, डिस्क्रिप्शन में लिंक दे दूंगा, जितने भी बोल रहा हूँ ना, जितने टॉपिक बोल रहा हूँ पढ़ने को सब का वीडियो है उसमें, चुपचाप जाइए वीडियो को देख लीजिए आराम से, वीडियो सिर्फ वीडियो वीडियो देख के अगर आप चले गए एग्जाम देने के लिए ना, सिर्फ वीडियो वीडियो अगर आप चले गए एग्जाम देने के लिए तब भी आप एग्जाम को क्वालिफाई कर लेंगे, कोई प्रैक्टिस वैक्टिस नहीं भी की है तब भी, वैसे प्रैक्टिस सेट्स मिल ही रहे हैं इस कोर्स के साथ, आराम से आप इसको ले सकते हैं, ठीक है। नहीं अगर आप चाहते हैं कि नहीं खुद से करना तो खुद से भी कर लीजिए, लेकिन करिएगा। डायरेक्शन डिस्टेंस जो है वो आपका 3 से 4 क्वेश्चन डायरेक्शन डिस्टेंस का आता है, बड़ा ही इजी चैप्टर है, खूब सारे ट्रिक्स मिलते हैं, ट्रिक्स तो वैसे सारे ही टॉपिक में होते हैं, इसमें भी सारे क्वेश्चन ट्रिक्स से बन जाते हैं आराम से, तो इसका भी वीडियो देख लीजिएगा, 3 से 4 क्वेश्चन है आराम से आप कर पाएंगे। इनइक्वालिटी से इजी तो रीजनिंग में कुछ है ही नहीं, कुछ भी नहीं है इससे इजी, और 4-5 क्वेश्चन इनइक्वालिटी से आता है, तो इन तीनों को तो सबसे पहले कर लेना है आपको ख़त्म। इनको अगर आप ख़त्म कर लेते हैं ना तो आपका लगभग लगभग 10 क्वेश्चन तो आपका इन्हीं टॉपिक से आ रहा है। कोडिंग डिकोडिंग है, कोडिंग डिकोडिंग के ना 5 से 6 टेक्निक होते हैं, 5-6 अप्रोचेज होते हैं, अगर ये आपने समझ लिया तो उन्हीं 5-6 अप्रोच में से कोई एक अप्रोच लग रहा होता है कोडिंग डिकोडिंग में, बहुत ही आसान होता है, बस आपको एक बार कोई टीचर से अच्छे से पढ़ लेना है, यूट्यूब पे खूब वीडियो मिल जाएंगे आप वहाँ से पढ़ लीजिए, चाहे हमारा जो कोर्स है उसमें से कर लीजिए, सिर्फ वीडियो देख के चले जाइएगा, क्वेश्चन आराम से अटेम्प्ट कर लीजिएगा, कोई दिक्कत वाली बात नहीं होती है। डेटा सफिशियंसी 2 क्वेश्चन आता है, रहने दीजिए अभी मत कीजिए इसको, ठीक है। वर्बल रीजनिंग जो है ना सिर्फ कहने सुनने की बात होती है, स्टेटमेंट दिया रहता है और उसके बाद आपसे पूछ लेता है आप बताइए कि ये स्टेटमेंट जो दिया है इसके बेसिस पे कौन सा कथन सत्य है, एजम्पशन दे देगा, कुछ आर्ग्यूमेंट्स दे देगा, कुछ कंक्लूजन दे देगा, बोलेगा बताइए, आपका वो सोचने समझने की शक्ति चेक करता है, तो क्या आप समझदार नहीं है, अगर आप समझदार नहीं है तो इसके क्वेश्चन जरूर गलत करेंगे, और समझदार हैं तो क्वेश्चन आप कर लेंगे अटेम्प्ट, लेकिन ये मत सोचिएगा कि हम समझदार हैं, वहां पर आराम से हम स्टेटमेंट पढ़ेंगे और कंक्लूजन भी निकाल देंगे, तो आप कहीं ना कहीं मिस्टेक कर रहे हैं, क्योंकि इसमें बहुत ज़्यादा प्रैक्टिस करने की ज़रूरत होती है। प्रैक्टिस कहाँ से करेंगे, खूब सारे आपको टेक्स्ट बुक से, चाहे कहीं से, आप गूगल पे खाली सर्च कर लीजिएगा ना स्टेटमेंट एजम्पशन, स्टेटमेंट कंक्लूजन, खूब सारे टॉपिक आपको मिल जाएंगे वहाँ से कम 50-60 क्वेश्चन तो जरूर इसके देख लीजिएगा, कोई मुश्किल बात नहीं है, सिर्फ स्टेटमेंट पढ़ना है, कंक्लूजन कौन सा सही है वो देख लेना है, एजम्पशन कौन सा सही है वो देख लेना होता है, सिर्फ पढ़ने की बात होती है। अगर आपको आपका कॉम्प्रहेंसन सही है तो ये यहाँ पर बस वही चेक करता है कि कोई चीज़ कहा जा रहा है तो आप कितना समझ रहे हैं, कितना उसमें दिमाग चला पा रहे हैं, ऐसा तो नहीं है किसी चीज़ को आप दिल पर ले रहे हैं, किसी चीज़ के बारे में गलत सोच ले रहे हैं, तो बस सोचने समझने की शक्ति को चेक किया जाता है वर्बल रीजनिंग में, और इससे भी आपके 4 से 5 क्वेश्चन बनते हैं, तो ये सारे बहुत इजी टॉपिक है, यही इन्हीं के सहारे बच्चे रीजनिंग में इतने इतने मार्क्स ठोक कर आ जा रहे हैं, अभी महामॉक कराया गया है, बारूद की तरह मार्क्स लेकर आए हैं बच्चे, क्यों, क्योंकि ये सब टॉपिक्स थे और ये होते हैं एग्जाम में और इनसे ही रीजनिंग में बच्चे अच्छे स्कोर कर लेते हैं। अल्फा न्यूमेरिक सीरीज क्या है, इसमें सिर्फ आपको इसमें अल्फ़ाबेट्स रहेगा, नंबर रहेगा, सिंबल रहेगा और पूछेगा उसी से क्वेश्चन, किस अल्फ़ाबेट से 4 आगे 5 पीछे कौन सा है, बड़ा इजी क्वेश्चन होता है, सिर्फ आपको समझना होता है क्वेश्चन, अगर आप क्वेश्चन को अच्छे से समझ गए तो आपको इसका आंसर निकालने में बिल्कुल भी देर नहीं लगेगा। अल्फा न्यूमेरिक सीरीज के क्वेश्चन आप बड़े ही प्यार से करेंगे, कुछ भी दिमाग नहीं लगाना होता है, बस क्वेश्चन अंडरस्टैंड करना, इन दोनों में बस वही है, क्वेश्चन अंडरस्टैंड कर लिए तो आप आराम से एग्जाम को क्लियर कर पाएंगे, ठीक है। और सिलॉजिज्म है, सिलॉजिज्म के थोड़ा सा आपको इसमें ज़्यादा मेहनत करना पड़ता है, इसमें जो है
आपको प्रैक्टिस की जरूरत होती है, एक अच्छे कॉन्सेप्ट की जरूरत होती है। यूट्यूब पे भी खूब आपको लेक्चर मिल जाएंगे, हमारे में भी अच्छे से कराएंगे, आप कहीं से भी कर लीजिए आराम से। इन टॉपिक को कर लीजिए, जो बोल दिया छोड़ने को बिल्कुल छोड़ दीजिए, इसमें टाइम वेस्ट मत करिए। पजल छोड़ दीजिए, डेटा सफिशियंसी बिल्कुल छोड़ दीजिए, लेकिन ये जो इनपुट आउटपुट को भी छोड़ दीजिए, लेकिन ये जो टॉपिक्स है ना इन टॉपिक को कर लीजिए, ज़्यादा टाइम नहीं लगेगा। थोड़ा थोड़ा टाइम दीजिए डेली और आप आराम से 7 से 8 दिन में ये सारे टॉपिक्स कर जाएंगे, ये गारंटी है। इनको पहले कर लीजिए, ईजी भी है, क्वेश्चंस भी ज़्यादा आते हैं, आपको लंबे लंबे क्वेश्चन के चक्कर में भी नहीं पढ़ना पड़ता है, कम समय में आप ज़्यादा क्वेश्चन कर पाते हैं, ठीक है। एग्जाम में भी मैं रिकमेंड करूंगा कि आप स्टार्ट करिए इन्हीं टॉपिक से, आपका सीटिंग अरेंजमेंट पजल कितना भी अच्छा हो ना उसको बाद में ही करिए, क्योंकि इसमें अगर टाइम खराब हो गया ना या मूड खराब हो गया ना तो आप इधर भी ध्यान नहीं लगा पाते हैं, लेकिन ये होते हैं ईजी, इसको पहले आप लोग अटैम्प्ट कर लिया कीजिए। रीजनिंग के बाद अब चलते हैं मैथ्स के ऊपर। मैथ्स का अगर हम लोग पोस्टमार्टम करें तो यहाँ पर नंबर सीरीज से 4 से 5 क्वेश्चन आते हैं, सिंप्लीफिकेशन अप्रॉक्सीमेशन से 4 से 5 क्वेश्चन आते हैं, क्वाड्रेटिक इक्वेशन से 4 से 5 क्वेश्चन आते हैं। बड़े ईजी ईजी टॉपिक हैं, बसरते कि आपको इसके ट्रिक्स सारे पता हों, इसके अप्रोच आपको पता हों। तो इसके भी अच्छे से वीडियोस देख लीजिए, सबसे पहले वीडियोस देख के उसके नोट्स भी थोड़े बहुत बना लीजिएगा उसके इंपॉर्टेंट पॉइंट्स की, ताकि एग्जाम से पहले इनको रिवाइज भी कर लीजिएगा कि किसमें कौन सा ट्रिक लग रहा है। और इसके बाद अपना डीआई है, डीआई से 10 से 15 क्वेश्चन पूछे जाते हैं, 10 से 15 क्वेश्चन पूछे जाते हैं, और आराम से इसमें बेसिक अर्थमेटिक स्किल्स आपके चेक किए जाते हैं, जैसे कि परसेंटेज का आपको कितना ज्ञान है, रेशियो का कितना ज्ञान है। अगर आपका परसेंटेज अच्छा है, अगर आपका रेशियो अच्छा है, अगर आप नॉर्मल जोड़ घटाव यानी कि एडिशन सब्ट्रैक्शन डिवीजन मल्टीप्लिकेशन कर लेते हैं ना, तो डीआई में क्या होता है कि आपके सामने कुछ चार्ट दे दिया जाएगा, आपके सामने पाई चार्ट दे दिया जाएगा, लाइन ग्राफ दे दिया जाएगा, कुछ भी इस तरीके का दे दिया जाएगा। हमेशा डीआई का क्वेश्चन सॉल्व करने समय ध्यान रखिएगा कि कोई भी डेटा दिया हो, चाहे किसी भी फॉर्म में दिया हो, कोई भी वो दिया हो, सबसे पहले उसका टेबल बना लीजिए, सबसे पहले थोड़ा सा समय खर्च करिए और उसका फर्स्ट क्वेश्चन देखने से पहले इंस्ट्रक्शन देखने टाइम ही आप उसको टेबुलर फॉर्म में कन्वर्ट कर लिया करिए। जब आप टेबुलर फॉर्म में कन्वर्ट कर लेते हैं ना, उसके बाद आगे के सारे क्वेश्चन आप बड़े ही आसानी से कर पाते हैं। इन सब के कोई ऐसा टॉपिक नहीं है कि यूट्यूब पर आपको वीडियो नहीं मिल जाएगा, अच्छे अच्छे वीडियो सेलेक्ट करिए, अच्छे टीचर के वीडियो से इसको कंप्लीट कर लीजिए। चाहते हैं परोस की मिल जाए तो डिस्क्रिप्शन चेक कर लीजिए। बस नंबर सीरीज से आपके 5 क्वेश्चन पूछे जाते हैं, जैसा कि मैंने बताया सिंप्लीफिकेशन अप्रोक्सीमेशन के 5 क्वेश्चन पूछे जाते हैं। ये सब इजी है, ये देखिए जान है ये मैथ्स का ना, ये जो 4-5 टॉपिक आप देख रहे हैं ना, यही जान है, मेन यही है, इन्हीं से क्वेश्चन आपसे पूछे जाएंगे। अरिथमेटिक में बहुत सारा चीज़ आता है, एवरेज है, प्रॉफिट लॉस है, परसेंटेज है, टाइम एंड वर्क है, टाइम एंड डिस्टेंस है। इनमें क्या होता है, बहुत ज़्यादा टाइम लगेगा आपको इनको पढ़ने में, और आउटपुट क्या है, एवरेज से आप देखेंगे तो 1-2 क्वेश्चन पूछा जाएगा, परसेंटेज से 2 क्वेश्चन पूछा जाएगा। तो इनमें अब पता नहीं कि किस टाइप का पैटर्न से क्वेश्चन पूछ दिया, तो इनमें क्या है कि आपको टाइम तो ज़्यादा खर्च होगा लेकिन आउटपुट नहीं मिलेगा। तो अगले 10 दिन में मैं बिल्कुल रिकमेंड नहीं करूँगा कि इन टॉपिक्स को आप छूएं, इनको बिल्कुल इग्नोर करिए, बिल्कुल छोड़ दीजिए इनको, अगर आपने अभी तक बिल्कुल नहीं पढ़ा है तो। अगर पढ़े हैं तो आप कर सकते हैं, अगर आपको लगता है कि नहीं सर मेरे पास टाइम है, कुछ बता दीजिए कि इनमें से कौन सा कर ले, तो इनमें से परसेंटेज कर लीजिए, इनमें से परसेंटेज कर लीजिए, इनमें से प्रॉफिट लॉस कर लीजिए। अगर आपको लगता है ना कि आपके पास अगर टाइम है आप कर सकते हैं, तो प्रॉफिट लॉस कर लीजिए, परसेंटेज कर लीजिए, एवरेज कर लीजिए और रेशियो प्रोपोर्शन कर लीजिए। ये 4 अगर आप कर सकते हैं तो कर लीजिए, नहीं करते हैं तो कोई फर्क नहीं पड़ता है। अगर कर लेंगे तो DIY में आपका थोड़ा सा सहायता भी मिल जाएगा इससे। और इसके अलावा ये 4 टॉपिक जो है ना, नंबर सीरीज, सिंप्लीफिकेशन अप्रोक्सीमेशन, क्वाड्रेटिक इक्वेशन और DI, इसको तो बिल्कुल नहीं छूना है। इसको अगर आपने छोड़ दिया तो एग्जाम भी आपको छोड़ देगा, तो इसको बिल्कुल भी नहीं छोड़ना है। नंबर सीरीज, सिंप्लीफिकेशन अप्रोक्सीमेशन, क्वाड्रेटिक इक्वेशन और DI, इसको कंप्लीट कर लेना है बस, ठीक है। और उसके बाद टाइम मिले तब ये 3-4 टॉपिक को आप पढ़ लीजिएगा, नहीं पढ़ते हैं तब भी कोई दिक्कत वाली बात नहीं, पर इनको नहीं छोड़ना है बिल्कुल भी। आगे आई इंग्लिश की बात करते हैं, तो इंग्लिश में आपके रीडिंग कॉम्प्रेंशन यानी पैसेज से 15 क्वेश्चन के आसपास पूछ लिए जाते हैं। क्लोज टेस्ट जो होते हैं उससे 5 क्वेश्चन पूछे जाते हैं, बड़ा सा पैसेज दे देगा, बीच बीच में ऐसे फीलिंग होगा, उसको आपको भरना होगा, वही क्लोज टेस्ट होता है। एरर से 5 क्वेश्चन आते हैं, वर्ड स्वैप से 5 क्वेश्चन आते हैं, ठीक है। वर्ड स्वैप मतलब आपको वर्ड चेंज करने होते हैं, किसी सेंटेंस में अलग 2 वर्ड होंगे जो उसके लिए रिलेवेंट नहीं होंगे, उसको आपको चेंज करना होगा, ये वाला यहाँ लगा देंगे, ये वाला है, तब जाके सेंटेंस सही हो पाएगा, उसको वर्ड स्वैप बोलते हैं। फ्रेजल वर्ब है, पैराजंबल से 5 क्वेश्चन आते हैं, ए एंड वो जो होता है ना, BACD वाला, ये वाला होता है पैराजंबल, सेंटेंस को आपको
सही से उसको वो करना होता है, अरेंज करना होता है, वही पैरा जंबल है। सेंटेंस कनेक्टर से 5 क्वेश्चन आ जाते हैं और मिसलिनियस से 4-5 क्वेश्चन आ जाते हैं। अब इंग्लिश का क्या है ना कि इंग्लिश में ऐसा नहीं है कि क्लोज टेस्ट कोई टॉपिक है आपको बोल दूँ पढ़ने के लिए, एरर स्पॉटिंग कोई टॉपिक है आपको बोल दूँ पढ़ने के लिए, नहीं ऐसा नहीं है। इंग्लिश इज ऑल अबाउट रीडिंग, इंग्लिश इज ऑल अबाउट योर ग्रामर, इट्स अबाउट योर वोकेबलरी। महीनों से मैं रट रहा हूँ आप लोगों के लिए कि इंग्लिश को, इंग्लिश की जो तैयारी है ना वो कुछ दिनों में नहीं की जाती है, इसके लिए महीनों लगते हैं। लेकिन अब बात यह है कि यहाँ पर तो भाई 10 दिन का टाइम है, इन 10 दिनों में क्या कर सकते हैं, तो इन 10 दिनों में मैं बता रहा हूँ क्या कर लीजिए। सबसे पहले टॉप 100 रूल्स पढ़ लीजिए इंग्लिश ग्रामर के, टॉप 100 जो इंग्लिश ग्रामर के रूल्स हैं, इससे ही क्वेश्चन पूछे जाते हैं। इसमें भी खास करके प्रिपोजिशन बहुत ध्यान से पढ़िएगा, ठीक है, कंजंक्शन बहुत ध्यान से पढ़िएगा, सब्जेक्ट वर्ब एग्रीमेंट बहुत ध्यान से पढ़िएगा, ये तीनों जो है ना वो जान है। ये अगर आपने कर लिया सब्जेक्ट वर्ब एग्रीमेंट कंजक्शन और प्रिपोजिशन, तो इससे क्या होगा ना क्लोज टेस्ट बनाने में भी आपको बहुत मदद मिलेगी, एरर स्पॉटिंग में भी बहुत मदद मिलेगा आपको ये करने से। तो ये तो बिल्कुल एकदम इंपॉर्टेंट है, 100 रूल्स सबसे पहले आपको कर लेना है, ठीक है। इसके बाद क्या करना है, कम से कम 1000 वोकेबलरी लर्न कर लीजिए, कम से कम 1000 वोकेबलरी लर्न कर लीजिए, रूट वर्ड बेस्ड, रूट वर्ड बेस्ड वोकेबलरी आपको कहीं ना कहीं किसी बुक में मिल जाएगा, कहीं ना कहीं इंटरनेट पे मिल जाएगा, आपको मिल जाएगा आराम से। हमारे कोर्स में ये सारा दिया हुआ है, ये सारे आपको नोट्स के फॉर्म में है, आप वहाँ पर आराम से उसको पढ़ लेंगे। नहीं तो आप थोड़ा सा रिसर्च करिए, थोड़ा सा मेहनत करिए और इन सब चीज़ों को निकालिए, इंग्लिश में इतना करना होगा आपको। और अभी से लेकर अगले 10 डेज डेली 3 से 4 एडिटोरियल्स गूगल से पढ़िए, 3 से 4 एडिटोरियल्स निकालिए, अच्छे अच्छे बुक का, द हिंदू का एडिटोरियल पढ़ लीजिए, हिंदुस्तान टाइम्स का एडिटोरियल पढ़ लीजिए, किसी भी अच्छे न्यूज़पेपर या मैगजीन का जो एडिटोरियल है, 3 से 4 एडिटोरियल डेली बेसिस पे पढ़ के अपना रीडिंग एबिलिटी को सुधारिए, बड़े बड़े पैराग्राफ्स को पढ़ने की हैबिट डालिए, देखिए कि कैसे पैराग्राफ को कनेक्ट किया गया है, कैसे एक फ्लो बनता है पैराग्राफ में, कैसे शुरू की जाती है किसी सेंटेंस को, पैरा जंबल में इससे बहुत सहायता मिलेगा और रीडिंग कॉम्प्रहेंशन में भी सहायता मिलेगा कि आप बड़े बड़े पैराग्राफ को पढ़ के उसके बाद आप किसी चीज़ को आराम से सॉल्व कर पाएंगे। तो 3-4 एडिटोरियल्स, 1000 वोकेबलरीज, 100 जो ग्रामर के इंपॉर्टेंट रूल्स हैं इनको पढ़ लेना है। इसके बाद थोड़ा सा रिसर्च करिएगा कि कैसे क्लोज टेस्ट को सॉल्व किया जाता है, कैसे एरर स्पॉटिंग को सॉल्व किया जाता है, कैसे पैरा, ये उन बच्चों के लिए बोल रहा हूँ जो कोर्स के पार्ट नहीं है, आप खुद से कर रहे हैं, तो आप लोग क्या करिएगा, थोड़ा सा रिसर्च करिएगा कि हाउ टू सॉल्व पैरा जंबल, क्या है इसके अप्रोच, क्या टेक्निक है, हाउ टू सॉल्व एरर स्पॉटिंग, हाउ टू सॉल्व रीडिंग कॉम्प्रेंसन। आप चाहे तो गूगल पे सर्च करिएगा तो अच्छे अच्छे आर्टिकल्स मिल जाएंगे, आप चाहे तो यूट्यूब पे सर्च करिएगा तो अच्छे अच्छे वीडियोज मिल जाएंगे, उसको देख लीजिए कि क्या अप्रोच है, क्या टेक्निक लगाना चाहिए, कैसे टाइम सेव कर सकते हैं। जैसे रीडिंग कॉम्प्रहेंसन है, रीडिंग कॉम्प्रहेंसन को अगर आप पूरा पैसेज पढ़ेंगे और उसके बाद क्वेश्चन करने जाएंगे ना तो आपका टाइम बहुत ज़्यादा लग जाता है। लेकिन अगर इसी का उल्टा करेंगे, पहले आप सारे क्वेश्चन को देख लीजिए एक बार जल्दी 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 जाकर किसकी किस किस टाइप के क्वेश्चन पूछे गए हैं, और दोबारा से अगर आप रीडिंग कॉम्प्रहेंसन में आकर आप पैसेज पढ़ना शुरू करते हैं तो आपको एक जगह पर आकर लगता है अरे यार ऐसा क्वेश्चन तो पूछा गया है, तो फिर आप उसको अच्छे से पढ़ना शुरू करते हैं कि क्या पूछा गया है, और उतने कम टाइम में ही आप वो चीज़ पढ़कर आप आंसर लगा देते हैं। और नहीं तो आप जब एक बार पूरा का पूरा कॉम्प्रहेंसन पढ़ते हैं फिर आप जाते हैं क्वेश्चन लगाने के लिए, फिर तीसरे क्वेश्चन पे पहुंचते पहुंचते या दूसरे पे पहुंचते लगता है कि ये मैंने कहाँ पढ़ा था, फिर आप ऊपर से आते हैं ढूंढना शुरू करते हैं कि कहाँ पे पढ़ा था, वहां पढ़कर फिर आप इधर आके आंसर लगाते हो, उसमें बहुत ज्यादा टाइम वेस्ट होता है। तो ये सब टेक्निक्स होते हैं, ये टेक्निक अगर आप समझ गए तो आप आराम से इंग्लिश में भी अच्छा स्कोर कर सकते हैं। तो 100 रूल्स हो गए, बाकी वोकेबलरी के टेक्निक हो गए, और एडिटोरियल्स पढ़िए, और ये एक बार थोड़ा सा वीडियो या गूगल में सर्च कर लीजिए कि इन सब चीज़ों को सॉल्व करने की टेक्निक कैसे होती है, पैरा जंबल्स कैसे सॉल्व करना होता है। पैरा जंबल अगर आपको टेक्निक पता है, अप्रोच पता है, आप आराम से इजीली कर सकते हैं, नहीं पता है तो आप फिर इसमें फंस जाते हैं। इसका तो एक फ्री वीडियो मैंने यूट्यूब पे भी डाला हुआ अपने चैनल पे, आप सर्च कर लीजिएगा तो आपको मिल जाएगा, इसमें IBPS A4 डेमो लेक्चर वाले उसमें प्लेलिस्ट में। तो यही कुछ इंपॉर्टेंट बातें आप लोगों से करनी थी, जिनके पास अभी कम समय है और अभी इम्प्रूव करना चाहते हैं वो ये सब काम कर लें तो कम समय में, ये स्मार्ट अप्रोच है, एक्चुअली ये स्मार्ट अप्रोच है। अगर आप इसको करते हैं तो हार्ड वर्क करने की जरूरत नहीं पड़ेगी, स्मार्ट वर्क करके भी आप इस एग्जाम को आराम से क्लियर कर पाएंगे। चैनल पर नए हैं तो बहुत ही लंबा हमारा रिश्ता चलने वाला है, इसको सब्सक्राइब कर लीजिए, अपने दोस्तों को भी बताइए, मिलते हैं फिर आप सेशन में।